भयंकर परी का अंत करने वाले तीर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। सबसे पहले नटखट परी, आप इस गंधक के फूल को इस पवित्र जल में मिला दीजिए। जी बाल परी। बालपरी, ये लाल रोशनी इस बात का प्रमाण है कि गंधक के फूल अपना असर दिखा रहे हैं। पवित्र मंत्रों द्वारा बनाए गए इस तीर को इस पवित्र जल में डाल दीजिए नटखट परी। बालवीर, आप अपना हाथ आगे कीजिए। बालवीर, ये है आपका शस्त्र जिससे भयंकर परी का अंत होगा, और ये है वो तीर जिसका निशाना अचूक। शुक्रिया माँ, शुक्रिया नटखट परी। जाइए बालवीर और भयंकर परी को उसकी बुराई की सजा दीजिए। हाँ बालवीर, इस बार बुराई के अंधेरे को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना, ताकि फिर वो अंधेरा अच्छाई की रोशनी को दूर करने की कभी सोच भी न सके। और हाँ बालवीर, अपना ध्यान रखना, क्योंकि भयंकर परी पीछे से वार करने में माहिर है। मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगा नाराज परी। भयंकर परी का अंत होने से कोई नहीं रोक सकता। माँ, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। हाँ माँ। तौबा तौबा। अरे जान बची तो जप लेना मेरे नाम की माला बात में। तौबा 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 तौबा। लेकिन अब जाओ और जाकर छुप जाओ कहीं पे, क्योंकि है देख लिया मैंने अपने जादुई कुंड में कि है प्राप्त कर लिया बालवीर ने गंधक के फूल आपका अंत करने के लिए। गलत तौबा तौबा। बालवीर? हाँ मैं। मैंने सिर्फ गंधक के फूलों को ही हासिल नहीं किया है, बल्कि उससे मैंने बुराई की प्रतीक भयंकर परी का अंत करने के लिए हथियार भी बना लिया है। काले तीर, यानी ये तीर है रंगे हुए गंधक के जहर में। परी भयंकर, भागो! मरो!
परी, तुम्हारा अंत प्रमाण है इस बात का कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, लेकिन अच्छाई के वार से उसे ऐसे एक दिन मिट्टी में मिलना ही पड़ता है। पूरे परिलोक में इंद्रधनुष छा गए हैं। इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि बालवीर ने भयंकर परी का अंत कर दिया है। हाँ बालवीर। परियो खुश रहो, खुश रहो डुबा डुबा, खुश रहो, खुश रहो बालवीर, खुश रहो। बालवीर, बुराई का राज समाप्त करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। हाँ बालवीर, आज तुमने बुराई के काले सूरज को हमेशा हमेशा के लिए अस्त कर दिया है, इसलिए हम सब की तरफ से तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपकी वजह से बुराई फिर कभी अपना सर उठा नहीं पाएगी। हाँ, भयंकर परी के अंत के साथ साथ आपने बुराई के काले साम्राज्य को भी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। अरे धन्यवाद आप सबका परी, क्योंकि आप सबके और डुबा डुबाओ की सहायता के बिना मैं बुराई के प्रतीक भयंकर परिकांत नहीं कर पाता। बालवीर, हम आपकी वीरता से आज बहुत ही खुश है। आप मांगिए, आप क्या चाहते हैं? माँ, आप सबका प्यार और साथ मेरे पास है, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? फिर भी बालवीर, कोई तो ऐसी चीज होगी जो तुम्हें चाहिए होगी। हाँ, एक चीज मुझे चाहिए। क्या बालवीर? माँ, मैं पृथ्वी लोक में जाने की आज्ञा चाहता हूँ, अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। मैं उनसे बहुत समय से मिला नहीं ना, इसलिए मुझे उनकी बहुत याद आ रही। आपका ये प्यार और अपनापन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है बालवीर। जाइए, आप अपने परिवार से मिलकर आइए। शुक्रिया माँ। मानव, तुझे नहीं लगता हम दोनों के रोल नंबर में बहुत गैप है, जबकि हम दोनों साथ साथ बैठते हैं? फिर हमारा रोल नंबर तो एक के बाद एक आना चाहिए ना। अरे महर, अब इसके पीछे भी कोई मतलब होगा तो क्यों बेकार में सोच रही है? पर मानव, मेरी जगह उस रानी का रोल नंबर तेरे बाद है। देख महर, अब ये रोल नंबर की लिस्ट तो रानी ने बनाई नहीं है, तो फिर तू भी ये सब छोड़ और पढ़ाई पे ध्यान दे। चल, और थोड़ा मुझ पे भी ध्यान दो। मिस्टर बल्लू लल्लू, आखिर आई गई तुझे हमारी याद, है ना? नहीं, मुझे तुम दोनों की याद नहीं है। अरे, हमें याद तो उनकी आती है जिन्हें भूल जाते हैं, और मैं तुम दोनों को कैसे भूल सकता हूँ? मम्मी, पापा, दादाजी, राखी, चाचू, देखो बल्लू आया है। बल्लू आया है? बच्चा, कैसा है तू? माँ, मैं आप सबके बिना कैसे ठीक रह सकता हूँ? तुझे पता है, हमने तुझे बहुत मिस किया। हाँ बल्लू, तेरे बिना बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। हाँ, फाफड़ा जलेबी खाने में। पता है, मुझे खेलने में भी मन नहीं लग रहा था, लेकिन अब तुम आ गए, अब मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। हाँ, मैं भी आपके साथ खूब खेलूंगा राखी चाचू। ए लल्लू बल्लू, कल से एग्जाम्स है, अभी छुट्टियाँ बहुत हो गई, अब खेलना नहीं सिर्फ पढ़ाई। और बल्लू, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, तू एक ही दिन में इतना सब कुछ कैसे पढ़ेगा? हाँ, वहाँ तूने बादाम वाला दूध पिया भी था या नहीं? अरे माँ,
आप सब चिंता मत कीजिए, मैं चाचा की घर था ना, तब मैं पढ़ाई कर रहा था और एग्जाम की तैयारियां भी कर रहा था। देखा हमारा बल्लू कितना होशियार है। हाँ बिल्कुल मेरी तरह। महेश रोकी सॉरी। और जो मैंने नहीं पढ़ा है वो मानो मैं मुझे पढ़ा देंगे है ना? नहीं हाँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम सब बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। थैंक गॉड खत्म हो गया एग्जाम। हाँ मैं तो कहता हूँ कि एग्जाम के दिन भगवान किसी बच्चे को ना दिखाए। हाँ मैं बॉर्डर पे जाकर लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये एग्जाम बाप रे बाप। हाँ मैं तो अपनी गवर्नमेंट को जाके कहूंगा कि जैसे उनका इलेक्शन 5 साल में एक बार आ जाए, वैसे हमारी एग्जाम भी 5 साल में एक बार आनी चाहिए। हाँ ये भेदभाव बच्चों के साथ नहीं चलेगा। अरे खुद की एग्जाम तो 5 साल में एक बार और हमारी एग्जाम 1 साल में 5 बार। बॉस, वाह बॉस आपकी तो अभी से पार्टी शुरू हो गई। ये पार्टी थोड़ी है, पार्टी तो मेरे फर्स्ट आने पे होगी। लगता है अब तक फर्स्ट आने का भूत आपके सर से उतरा नहीं है। हाँ नहीं उतरा है क्योंकि मुझे पता है कि फर्स्ट तो मैं ही आऊंगा। बॉस लगता है एग्जाम के टाइम पे सो रहे। आपने देखा नहीं कि मैं सप्लीमेंट पे सप्लीमेंट भरती जा रही थी और आपके मेन शीट पे भी लास्ट दो पन्ने खाली ही रह गए थे। इडियट्स मैंने सब देखा, लेकिन शायद तुमको ये नहीं पता कि मेहर वो पेपर्स मेरे लिए लिख रही थी, अपने लिए नहीं। उसके हर एक आंसर का हर एक मार्क मुझे मिलेगा और मेरे आंसर्स के सारे मार्क्स उसे मिलेंगे। वो कैसे? अपने दिमाग से। मैंने मेहर का नंबर अपने रोल नंबर से बदल दिया। बॉस वाह मान गए आपको। वेरी गुड बॉस। देख रॉनी ये मजाक है ना, तूने मेरा रोल नंबर चेंज नहीं किया ना? हाँ मैंने किया है और इस बार तुम्हारी वजह से फर्स्ट भी मैं ही आऊंगा। मैं अभी सर को बताती हूँ कि तूने मेरे साथ क्या चीटिंग की है। ठीक है बता दो, लेकिन वो तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करेंगे। तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मैंने चीटिंग किया? जाओ जाओ जाओ। महर तू रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा माना, कौन मानेगा हमारी बात? मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाई की थी और इसलिए फर्स्ट भी तू ही आएगी। माना भले ही मैं फर्स्ट ना हो लेकिन कोई चीटिंग करके मेरे नंबर्स ले ले ये सही है क्या? नहीं महर। मैं दादा दादी को क्या जवाब दूंगी, मैं मम्मी पापा को क्या कहूंगी? उन्होंने मुझे इतनी मेहनत से पढ़ाया और मैंने उनकी सारी उम्मीदें खो दी। महर तू रो मत, हम रोनी की कंप्लेन करेंगे। नहीं मानो, कोई नहीं समझेगा हमारी बात। फर्स्ट आना तो दूर, मैं तो फेल हो जाऊंगी। नहीं महर ऐसा मत बोल, तू फेल नहीं होगी और भले ही कोई और हमारी बात ना समझे पर बालवीर हमारी बात समझेगा। हाँ मानो तू बिल्कुल सही कह रहा है, मैं अभी बालवीर को बुलाती हूँ, वो रोनी को ऐसा सबक सिखाएगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। बालवीर एंड द कॉस्ट ऑफ डजन ऑरेंज इज 34। बालवीर महर मुझे क्यों पुकार रही है? अभी देखता। दोस्तों तुम दोनों जाओ, मैं क्लास में आके तुम्हें बताता हूँ ठीक है? क्या हुआ महर, तुम रो क्यों रही हो? रोनी ने ऐसा किया, इतनी बड़ी बेमानी। मानो महर तुम दोनों चिंता मत करो, मैं अभी रोनी को सबक सिखाता। हे नटखट पर सच्चाई और अच्छाई की रोशनी फैले हर जगह, आ जाए यहाँ रोनी रोहित केवल हो जा। मेरा समोसा कहाँ चला गया? हमारे भी और ये हम कहाँ पे आ गए?
मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। बालवीर जी, अरे बालवीर जी, आपने क्यों बुलाया? कुछ गलती हो गई क्या हमसे? सिर्फ गलती ही नहीं, बहुत बड़ी गलती की है तुमने रॉनी। तुमने बेमानी से परीक्षा में प्रथम आने की कोशिश की। बालवीर जी, इन्होंने कह दिया और आपने ऐसे ही मान लिया? तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं झूठ बोल रही है? हाँ, मैं झूठ बोल रही है। मैंने कोई गलती नहीं की, कोई बेमानी नहीं की मैंने। बस अपनी गलती मान लो, वरना बालवीर जी को मनवाना आता है। हाँ, चुप, बालवीर जी, इनकी बात मत सुनो, ये तो ऐसे ही कुछ भी बोल रहे। देखिए वो क्या हुआ। देखोगे तो तुम रॉनी, और सबक भी सीखोगे कि बालवीर से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए।